स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें अक्सर प्री के एग्जामिनेशन जो बैंकिंग के प्री के एग्जाम होते हैं और साथ साथ SSC के एग्जाम्स में भी सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल का सामना करते हैं। कई बार कुछ ऐसा नंबर आ जाता है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते या सही से आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और इसी के साथ कई बार हमें उस सिंप्लीफिकेशन में क्यूब फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना या क्यूब रूट फाइंड करना पड़ता है, जो कई बार बच्चों को इसका ट्रिक नहीं मालूम होता और वो 10th या 12th में सीखे गए पैटर्न को फॉलो करते हुए लॉन्ग मेथड को फॉलो करते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम इजी वे से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1898 डिवाइडेड बाय 73 इनटू 72 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर इनटू 13। तो देखिए जब भी डिवाइड हो तो आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको उसको डिवाइड मतलब डिवाइड का मतलब होता है आप उसको नीचे लिख सकते हैं 73 इंटू 72, और यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में उसको भी आप डिवाइड में ले आइए। अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं तो काफ़ी लंबा जो है आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 13 को आप डायरेक्ट इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसे डिवाइड कर दीजिए। 13 13 एकम 13 बचेगा 59, 13 चौक 52 52, 78 बचेगा 13 6 78, और अब आप देख रहे हैं 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 146। तो यहाँ पर 72 इंटू 2, 72 को 2 से गुना कीजिए, 72 गुना 2 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 144 दिया गया है, कई बार टाइम की कमी होने के कारण हड़बड़ाहट पे 144 आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 हमारा सही आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ यहाँ पर जब बात स्क्वायर की है तो आपको कुछ स्क्वायर बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ईजी है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ तक तो आप लोगों को आई होप याद ही होंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ तक आपको कुल 25 तक याद रखने हैं, 15 तक के स्क्वायर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप बाकी रेस्ट ऑफ द 25 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखते हैं ये स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड है और उसमें एक ट्रिक भी है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है 65% ऑफ अंडर रूट 3136 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 154। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 65 अपॉन 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 154। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 वन ज़ा 5, 25 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20, 13 5 ज़ा 65। अब आपको सबसे बड़ा यहाँ पर टर्म है जो 3136 का रूट फाइंड करना है, तो उसकी ट्रिक क्या है, देखिए 3136 का अंडर रूट फाइंड करना है आपको, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब वापस यहाँ पर चलते हैं, देखिए अगर आप बात करें 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, दोनों के लास्ट में 1 आएगा, देखिए 1 के स्क्वायर में 1 है, 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 है, 2 और 8 दोनों के लास्ट में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4, 3 और 7 के लास्ट में आएगा 9, 3
3 3s are 9, 7 7s are 49. 4 और 6 के लास्ट में आएगा 6, 4 4s are 16, 6 6s are 36 और 5 के लास्ट में आता है 5. आपको सिर्फ ये यूनिट डिजिट के नंबर याद रखने हैं. अब देखिए 3136 के लास्ट में क्या आ रहा है, 6. तो 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो कोई नंबर ऐसा होगा जिसके लास्ट में 4 होगा या 6 होगा. मैं दोनों लिख लेता हूँ, 4 या 6. आई होप आपको क्लियर होगा. आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है कि जो 6 है वो कहाँ से आ सकता है. मैंने बताया था 1 और 9 से 1 आता है, 2 और 8 से 4 आता है लास्ट में, 3 और 7 से 9 आता है, 4 और 6 से 6 आता है. तो मैंने लिख लिया 4 होगा या 6 होगा. अब ये आगे वाले जो डिजिट्स हैं या ये जो तीन डिजिट हैं, इसमें आगे क्या होगा, क्या यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या नंबर होगा, क्योंकि हमें अभी पूरा नंबर चाहिए. तो दोस्तों आप पहले दो डिजिट देख लीजिए, 31. अब आपने 31 देखा, अब आपको देखना है कि 31 किन दो के बीच में आ रहा है. देखिए 25 और 36 के बीच में आता है 31, इन दो नंबर के बीच में 31 आएगा. अब आपको ढूंढना है 31 सबसे क्लोज किसके है. अब देखिए यहां पर इसके आगे, अब आपको ये भी एक जरूरी देखना है कि 313 कैसे आ सकता है. देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है 3600. अब देखिए हमारे पास है 3136 जो कि 36 से छोटा है, तो यानी कि ये 50 के स्क्वायर के बाद वाले किसी नंबर पर आएगा. 51 हो सकता है, 52, लेकिन हमें नंबर पता है 4 और 6, तो यानी कि या तो ये 54 का स्क्वायर है या ये 56 का स्क्वायर है. ये कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा ये 3136 किसके बीच में आएगा, 2500 और 36 के बीच में आएगा. 60 नहीं आएगा क्योंकि 60 बहुत बड़ा है, 61 से सब बड़े हो जाएंगे. 50 इससे छोटा है, 2500 है जो, वो 3136 से छोटा है, तो या तो 54 होगा या 56 होगा. ये 4 और 6 हमने यहां से देखा था. अब आपको देखना है 54 या 56. तो देखेंगे ये 31 कहां फॉल करता है. मैंने आपको बताया था 31 25 और 36 में फॉल करता है, किसके सबसे क्लोज है. तो आप कहेंगे 31 सबसे ज्यादा क्लोज है 36 के, क्योंकि 25 और 31 में कितने का डिफरेंस है, कम से कम 6 का डिफरेंस है, और 36 और 31 में 5 का डिफरेंस है, इसलिए सबसे कम डिफरेंस यहाँ है, तो इसके सबसे क्लोज है. तो यानी कि नीचे वाला या सेकंड वाला जो नंबर है या बड़े वाला जो नंबर है वो हमारा सही आंसर होगा. 56 इज द राइट आंसर. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 4, 5 जो है यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी 5 से कट चुका है. यहाँ पर बचेगा हमारे पास 13 इंटू 14. अब 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप 13 इंटू 10 करके प्लस 13 इंटू 4 कर लीजिए. 13 इंटू 10 130, 13 फोर ज़ा 52, यहाँ पे आ जाएगा 182 इज इक्वल टू एक्स प्लस 154. अब एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करेंगे 182 माइनस 154, आंसर आ जाएगा आपका 28, जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42, और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो दोस्तों आप जानते होंगे माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, 121.45, 8 और 5 13, 5 4 9 1 10, 4 1 5 1 6, 5 2 7 और 4 1 5. उसी प्रकार 376.89 और 95.42, इनको ऐड कर लीजिए, 9 2 11, 8 4 12 और 1 13, 6 5 11 और 1 12, 9 1 10 7 17 और 472. इसके आगे साइन रहेगा माइनस का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. यहाँ पर माइनस करके लिख सकते हैं 472.31 2730 1, 103.72 आपका सही आंसर आ जाएगा. दोस्तों यहाँ पे आप एस्टीमेट ले सकते थे, लेकिन एस्टीमेट लेना नहीं चाहिए क्योंकि सभी आंसर बहुत क्लोज दिए हैं. अगर आंसर बहुत दूर दूर दिए जाते तो आप एस्टीमेट भी ले सकते थे कि आपने 454.58 को 454 मान लिया,
89 को आपने 376 मान लिया, आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 778 आ गया। 121 को आपने 121 मान लिया, 121 ऐड कर देंगे, 199 आ जाएगा, और इसमें से 95 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 104 आ जाएगा, और 104 सबसे जो क्लोज है वो इसके है, तो आप ऐसे भी आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर आपका एस्टिमेशन थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप गलत आंसर पे टिक कर सकते हैं, इसलिए जब पॉइंट में आंसर दिया हो तो आपको एक्यूरेटली उसको जो है कैलकुलेट करना है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 3/2 × 16/4 × 3/8 + 3/8 × 12/4 × 18 / 2 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 8 × 2 = 16, यहाँ पे आएगा 9/4, 3 × 3 = 9/4 प्लस 4 × 3 = 12 और यहाँ पर आ जाएगा 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81/8। एलसीएम ले लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 × 2 = 8, 9 × 2 = 18 + 81। एलसीएम हम लेते हैं दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, जो आंसर आएगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके 18 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 99/8, 99 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 8। आपको आंसर देखना है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना है। 8 × 1 = 8, 19 बचेगा, 8 × 2 = 16, 3 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 3/8, जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 3080 + 6160 / x = 330 प्लस कर लीजिए 0, 8 × 6 = 14, 2, 6 और 3 = 9 / x = 330। डिवाइड को हमने ऐसे लिख लिया, अब ये उधर चला जाएगा, 330 नीचे आ जाएगा, 9240 / 330 = x, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं 3 × 11 = 33, 8 × 11 = 88 और 4 × 11 = 44, यानी कि 84 × 11 = 924। कैलकुलेट करके देख सकते हैं 84 को 11 से, तो कैसे करेंगे, 84 और 84, तो 429 वही आएगा, 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24, तो एक्स की वैल्यू आएगी 28, जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये भी आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत क्विक हो, आप फिंगर्स पर काउंट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डिजिट्स को भी आप रैंडमली काउंट कर सकें। जैसे मैं आपने देखा वीडियो में, मैं कैलकुलेट करता हूँ 8, 5, 3, 13, 13 और 9, 22, 22 और 7, 29, ऐसे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसी के साथ परसेंटेज की कैसे कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 25 तक, क्यूब आपको याद होने चाहिए 20 तक, तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज की सिखाई गई ट्रिक को भी आप लोग याद रखिएगा ताकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो उसको आप कैलकुलेट कर सकें। अगर दोस्तों पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्यूब और क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।